हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, तो बहुत से पहाड़ के लोग तो जान गए होंगे, इसको पिंडालू कहते हैं। तो पिंडालू सरल भाषा में बताऊं तो अरबी, जिसको लोग अरबी कहते हैं, बट पहाड़ में अरबी को ही पिंडालू कहते हैं। और पहाड़ की अरबी कुछ इस तरीके से होती है, छीलने के बाद ये कुछ अलग सी ही दिखती है। हमने इसको छीन लिया है और हर बार की तरह जैसे हम प्याज लहसुन और अदरक का तड़का डालने जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। अदरक जो कि ठंडियों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, थोड़ा गर्मी भी करती है शरीर में, तो हम अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करने जा रहे हैं। और अरबी काटने के बाद सबसे पहले हम इसको अच्छे से गर्म पानी से धुल लेते हैं ताकि इसकी चिकनाहट कम हो जाए। और अच्छी बात है, पहाड़ का स्पेशल चूल्हा जिसमें फूड की क्वालिटी या फूड का टेस्ट अलग ही हो जाता है, तो हम उसमें बनाएंगे। हम सबसे पहले तेल डाल देते हैं इसमें, और तेल को अच्छे से पकने के बाद, अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें जख्या का तड़का लगाते हैं। जख्या का तड़का लगाने के बाद प्याज और जो हमने अदरक और लहसुन काट रखी है उसका अच्छे से तड़का लगाकर इसको ब्राउन होने देते हैं। और हमने आज कुछ अलग ही किया है, जो पहाड़ का लोकल टमाटर होता है, जो टमाटो है पहाड़ का, हमने उसका यूज़ किया है आज। तो हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि ये हल्की सी खटास देता है, तो इससे काफ़ी टेस्ट बदलने वाला है इस अरबी की सब्ज़ी का। थोड़ा हम इसमें नमक मिला लेंगे ताकि हमारे प्याज टमाटर आसानी से पक जाए। और मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों को अच्छे से पकने के बाद हम इसमें अरबी डाल लेते हैं। और अब 15 से 20 मिनट बाद, अब जब अरबी अच्छे से पक जाएगी, यानी कि पिंडालू अच्छा सा पक जाएगा, तो हम इसको सर्व करेंगे और फटाफट खा लेंगे, गरम गरम खाएंगे। वैसे भी पहाड़ में काफ़ी ठंड हो रखी है, तो गरम गरम खाने का टेस्ट ही कुछ अलग है, गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही 10 से 15 मिनट बाद हमने पका ली है, तो ये हमारी रोटी भी बन चुकी है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पिंडालू की सब्ज़ी किस तरीके से बनी हुई है। और इसके दिखने वाले ब्लैक सीड्स जो कि जख्या के हैं, वो कुछ अलग ही दिखा रही है इस सब्जी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक जय देवभूमि उत्तराखंड।